आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइस गेट में आप फर्स्ट टाइम यूजर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या सेटिंग हमें हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में करनी होती है, कौन सा वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का रिक्वायर्ड होता है, जावा का क्या सेटिंग हमको करनी होती है, सो देट कि आप फर्स्ट टाइम आइस गेट में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइस गेट में रजिस्ट्रेशन आपको एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी है ताकि आप एडी कोड की एप्लीकेशन यहां से कर सकें, आपके पोर्ट को आप ऐड कर सके, इसलिए सबसे मैंडेटरी जो है आपका आइस गेट का रजिस्ट्रेशन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइस गेट की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे ही यह वर्क करता है। दूसरा आपका जावा का लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड होना चाहिए आपके सिस्टम में। दो रिक्वायरमेंट पहले आप समझ लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट है जावा का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। यदि आपका सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है, आप कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप वो कितने बिट्स का है। यदि 64 बिट का है तो 64 बिट का लेटेस्ट जावा आपको डाउनलोड करना होगा। यदि 32 बिट का आपका कंप्यूटर सपोर्टेड है तो 32 बिट का लेटेस्ट जावा अपडेट आपको करना होगा। साथ ही आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 नहीं है तो वो डाउनलोड करना होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एज पे यहाँ काम नहीं करता, तो आपको प्लेन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ही आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो आपको चाहिए रहेगा वो सेटिंग हमें क्या क्या करनी है हम देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जावा आपको यहाँ पे जाना है, जावा ओरेकल पे जाना है और जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड आपके सिस्टम में कर लेना। राइट, तो एक तो ये हो गया कि आपका लेटेस्ट जावा यहाँ से डाउनलोड हो गया। सेकेंड वन हम जो है कि ये तो आपको सेकेंड वन आपको जो सेटिंग करनी है वो जैसे ही आपका जावा डाउनलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपना सर्च करना है टाइप में जावा कॉन्फ़िगरेशन आपको सर्च करना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है। जावा की जैसे ही सेटिंग ओपन हो जाएगी तो आपको कुछ चेंजेस वहाँ पे करना है जो कि मैंडेटरी है। और आइस गेट में रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। तो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होगा तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि आप प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर की क्लास 3 DSC लगेगी। यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू ये सब कर रहे हैं तो एक जो ऑथराइज पार्टनर होगा उसकी डिजिटल सिग्नेचर आपको लगेगी क्लास 3। यदि आप डायरेक्टर हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहे हैं तो उस केस में ऑथराइज डायरेक्टर की डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। और वहां डायरेक्टर का नाम आईसी जो होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है, उस पर भी वही डायरेक्टर एज ऑथराइज डायरेक्टर होना चाहिए जिसकी आप डीएससी लगा रहे हैं। इनके से प्रोप्राइटर में तो वही रहेगा, पार्टनर में ऑथराइज पार्टनर होना चाहिए आईसी रजिस्ट्रेशन में। कंपनी के केस के आईसी रजिस्ट्रेशन में भी वही ऑथराइज डायरेक्टर होना चाहिए जिसकी आप डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर लगाने वाले। तो चलिए जावा की सेटिंग समझ लेते हैं। आपको जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे आपको जाके दो साइड ये ऐड करनी है। पहले तो ये हाई होना चाहिए, आपका सिक्योरिटी लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा एक्सेप्शन साइट लिस्ट में आपको ये दो साइट ऐड करना है। एक ऐड करना है icegate.gov.in, एक करना है www.nno.in। एडिट पे जाके इनको ऐड करना है। ये ऐड कर लिया, इसके बाद एडवांस में जाना है। एडवांस में ही सेटिंग आप अच्छे से देख लीजिए, ड्यूबिंग में इनेबल है, ये सारी सेटिंग आप अच्छे से देख लीजिए, देखते जाइए आप जहां पे टिक है आपको टिक करना है। चेक करते जाइए आप, ठीक है। और ध्यान रखिए जब भी जावा आप अपडेट करते हैं तो सिस्टम को रीस्टार्ट करना मत भूलिए। सिस्टम जैसे ही जावा अपडेट होगा सिस्टम को रीस्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सेटिंग ये वाली है, एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग, पहले को अनटिक करना, बाकी सभी टिक होना चाहिए, मिसलेनियस में ये टिक होना चाहिए। ये सब होने के बाद इसको आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एंड ओके कर दीजिए। अब ये तो हो गया जावा की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाना है इंटरनेट जो 11 एक्सप्लोरर है यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपको मैनेज एडऑन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि जावा आपका इनेबल होना चाहिए, यदि इनेबल नहीं तो आपको इनेबल कर लीजिए। और जैसे ही जावा अपडेट होता है तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट जरूर करिएगा।
जावा इनेबल होना चाहिए, नहीं है तो इनेबल कर लीजिए। उसके बाद वापस से हम यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, कॉम्पेबिलिटी व्यू सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे ये दो साइट ऐड होनी चाहिए, isk.gov.in और nnode.in। ये होने के बाद ये भी है, फिर से हम जाएंगे इंटरनेट सेटिंग पे, इंटरनेट ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको जाना है प्राइवेसी कंटेंट प्रोग्राम एडवांस। हमको यहाँ पे ट्रस्टेड साइट ऐड करना है, हमको सिक्योरिटी पे जाना है, ट्रस्टेड साइट पे जाना है, साइट पे जाना है और चेक करना है कि आईसगेट वाली साइट यहाँ पे ऐड है या नहीं, नहीं तो आपको ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड है, आईसगेट वाली साइट आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, राइट। और एन नोड वाली साइट भी आपको ऐड ऑन करनी है, टिक यहाँ पे टिक होना चाहिए, क्लोज कर देना है। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर सेटिंग, राइट। तो ये सेटिंग मैंने आपको बता दिया कि जावा से रिलेटेड और आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में क्या सेटिंग करनी है। अब चलते हैं कि फर्स्ट टाइम हम यूजर आईडी कैसे क्रिएट करेंगे आईसगेट में एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यूजर आईडी लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे अब आपके पास इनहैंड क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। आपका जो ऑथराइज डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर की फोटो, पैन कार्ड, ऑथराइज पार्टनर है तो पार्टनर की, ऑथराइज डायरेक्टर है डायरेक्टर की, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, पार्टनर का आधार कार्ड, डायरेक्टर का आधार कार्ड जो ऑथराइज है, राइट। साथ में आईसी कोड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होना चाहिए और एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, कैसा होता है आप एक बार देख लीजिए। ये चार डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है और इन डॉक्यूमेंट को ई साइन कैसे करना है वो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो कस्टम में लगते हैं, आइसगेट में लगते हैं, वो डिजिटली साइन होना चाहिए। तो इस टाइप का एक ऑथराइजेशन आपको लगेगा कि ये कंपनी का केस है, ऑथराइजेशन लेटर आपको कंपनी और पार्टनरशिप के केस में लगेगा, प्रोप्राइटर पर नहीं लगेगा। तो एक किसी को ऑथराइज करना पड़ता है, तो एक कॉमन ऑथराइजेशन लेटर है, ठीक है, जो आप खुद से भी बना सकते हैं, इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। ये ऐसे डिजिटली साइन करना पड़ता है, ये भी कहाँ से करना पड़ेगा बताऊंगा। और बिना डिजिटल साइन के कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं होते, सिस्टम लेगा ही नहीं। तो चलिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, आईसी कोड की डायरेक्टर साइन वाली कॉपी चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो डायरेक्टर ऑथराइज है, पार्टनर ऑथराइज है वो साइन करेगा, या प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर साइन करेगा, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सभी चीजें, ठीक है, ऐसे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आधार कार्ड भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पैन कार्ड भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड नहीं भी लगाए तो चलता, आधार यहाँ पे मैंडेटरी, आधार, आईसी कोड सेल्फ अटेस्टेड और ऑथराइजेशन लेटर। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑथराइजेशन लेटर, आईसी कोड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड और ऑथराइज पार्टनर और डायरेक्टर का आधार कार्ड। अब इनको हमको ई साइन करना पड़ता है, राइट। तो अब वो भी हम समझते कि ई साइन हमको कहाँ से करना है। हम फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कैसे साइन करना है, क्लिक करके हम आए यहाँ पे आ गए। अब आपको क्लिक करना है डू नॉट हैव एनी अकाउंट येट, यस साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल देगा क्या लग रहा है, देखिए रिक्वायरमेंट बता दिए कि ब्राउजर रिक्वायरमेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, जावा जो है 1.8 और हायर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन रिकमेंडेड, प्लीज रिफर टू द जावा सेटिंग गाइडलाइन फॉर डीएससी अपलोड एंड प्रोसीडिंग। ये भी मैं आपको बता देता हूँ डीएससी की सेटिंग से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आईसी कोड नंबर आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आईसी की कॉपी का ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब आपने आईसी कोड की जो कॉपी ओपन कर लीजिए, आईसी कोड कॉपी कर लीजिए, राइट, क्योंकि यूजर आईडी जो होती है वो आईसी कोड ही आपको डालना है। अब हम जा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और हम लोग यहाँ पे गए, मेल आईडी आपको डालना है, चेक अवेबिलिटी पे क्लिक करना है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे दूसरा पैन कार्ड डालेंगे।
ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दूसरा बता देता हूँ। यदि आपका आईसी कोड ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा तो नहीं बताएगा, इसलिए मैं कुछ और नंबर डाल, तो आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का पैन नंबर यहाँ पर डालना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर डालना है, चेक अवेबिलिटी करना है, मेल आईडी डालना है, और हम एज अ आईसी होल्डर यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आईसी होल्डर यूजर रोल में सेलेक्ट करेंगे, यूजर टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे आईईसी होल्डर, ठीक है। ये तो हम सब देखिए, आपको अपना आईसी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है वो यही डालना है, मेल आईडी डालना, आईसी होल्डर सेलेक्ट करना, आईसी होल्डर सेलेक्ट करना, इंटर आईसी कोड डालना है, वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना, आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो भी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कौन से पोर्ट से या कस्टम लोकेशन सेलेक्ट करना है वो आपको करना है, आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, कंट्रोल दिखिए पर प्लीज कंट्रोल एंड सेलेक्ट लोकेशन, कंट्रोल सेलेक्ट करके मल्टीपल लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आपका पोर्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है, जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आगे आपको लेके जाएगा वो। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए आपका फॉर्म का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डालना है, सेल्फ अटेस्टेड लाइसेंस कॉपी, मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो सेल्फ असिस्टेड डिजिटली साइन वाली कॉपी डालना है, आईडी में आपको यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, जो भी सेल्फ असिस्टेड होगी और ई साइन होगी, ई साइन कैसे करना वो आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी को इंसर्ट करना है, मतलब ब्राउज करना, तो दो ही चीज चाहिए आपको, सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है आपकी, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की वो, और आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगाना है, तो दो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पंच करना है, पर आप ऑथराइजेशन लेटर साथ पे आईसी कोड दोनों को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा और आधार कार्ड सेल्फ कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल नहीं होगा, कंट्रोल करके तीनों चीज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने हैं आपको, वो कैसे डिजिटल साइन होगी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, आपका डिजिटल सिग्नेचर लगा होना चाहिए सिस्टम में, और लगे होने के साथ वो इंपोर्ट कर लेगा सिस्टम को, आप कोड डालिएगा और कंफर्म करिएगा, यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिशन का आपको मैसेज आ जाएगा, और 2 से 3 दिन में या सेम डे ही आपको यूजर आईडी और लॉगिन आईस गेट का मिल जाएगा, उसके बाद ही आप एडी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो एडी कोड पे भी रहेगा, अभी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या सेटिंग रहनी है, क्या डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट टाइम आईस गेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करना है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड और आधार जो ऑथराइज पार्टनर उसका, तो हम उसको पहले डिजिटली साइन करके ही यहाँ अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिना डिजिटल साइन की कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, साइज 500 KB से कम होनी चाहिए इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो आपको जाना है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना है, सॉरी आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम पे जाना है, आईसीएट की वेबसाइट पे जाना है डिजिटली साइन करने के लिए, ठीक है। आपने जावा रहने से एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपको करना होगा, ठीक है, अपने पहले ही कर चुके हैं, उसके बाद ओके पे साइन पे क्लिक करो, वहाँ पे और नीचे पाइए और डिजिटली साइन पे क्लिक करिए, पहला कॉमन साइनर यूटिलिटी डिजिटल कस्टम डॉक्यूमेंट ओके। देखिए आप एक काम, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको पीडीएफ फाइल साइनिंग करना है, हाँ आप एक बार ध्यान रख लीजिए, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं ना, तो डाउनलोड साइनर यूटिलिटी आप कर लीजिए और ई टोकन ड्राइवर, ये दोनों डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, नहीं तो आपको डीएससी लगाने में प्रॉब्लम होगी, यदि अभी डाउनलोड कर लेंगे आपके सिस्टम में तो डीएससी इजीली लग जाएगी, बाकी हमने जावा की सेटिंग तो ऑलरेडी कर रखी है। साइनिंग डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जावा हमारा ओपन हो चुका है, मतलब हमारा जावा रन हो गया है, ठीक है। उसको एक्सपांड करेंगे, पूछेगा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से लेना है, तो हम हमारे डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी होंगे हम ऐसे जाते हैं, जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट की वो है आप उस डॉक्यूमेंट में जाइए, ठीक है, ऐसे जाइएगा, मतलब कोई भी आईसी रजिस्ट्रेशन कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ करना है सभी यहाँ पे। देखिए 2 इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करना, तो मैं क्या करूँगा, पहले आधार को ई साइन कर लेता हूँ, आधार का बता देते हैं, ऐसे ही आईस गेट का कर लेना, ये डायरेक्टर की सिग्नेचर यहाँ ऑटोमेटिक दिखने लगी, ओके पे क्लिक करना है आपको। अब इसके बाद जावा अपनी की को डिडक्ट करके आपको डायरेक्टली आपका जो कोड है वो पूछेगा, ये देखिए
यहाँ पे लिख के आ गया पीडीएफ साइन सक्सेसफुली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार किया है इसलिए पिन नहीं मांगा, आपसे पिन कोड मांगेगा, आप कर लेना। यहाँ पे फाइल कहाँ सेव हो रही है ये भी बता रहा है कि आपका लोकेशन भी बता रही है, तो आपकी पीडीएफ साइनिंग डन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब यही चीज आपको अपलोड करनी है डायरेक्टली आईजीएट में, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं फास्ट मोड पे। ये मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो इसके बिना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, आपके समझाने के लिए मैंने सब किया हुआ है। देखिए अब मेरा आधार डिजिटली साइन हो गया, अब मैं ओपन करता हूँ उसको, कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपके आधार में देखिए ऐसा दिखेगा, ये टिक आना चाहिए, ब्लू ग्रीन टिक आना चाहिए, वैसे तो सेल्फ अटेस्टेड रहता है उसके बाद ग्रीन टिक होना। सिमिलरली मैं देखूंगा ये आपका आईसीएट भी मैंने किया हुआ है, ये भी आईसी कोड भी मेरा सेल्फ अटेस्टेड है, यहाँ पे डिजिटली साइन हो गया, ठीक है। तो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट ही कस्टम में एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब हम वापस से चलते हैं यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेल्फ अटेस्टेड को यहाँ पे स्कैन कर लेंगे सिंपल सी, जो हमने किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा अपलोड हो गया, फिर हमारा आधार कार्ड कर लेंगे ये, फिर आधार कार्ड नंबर भी डाल देंगे जो भी नंबर होगा आधार कार्ड का, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल नहीं, सेटिंग सही रही तो सिंपल सिंपल है, नहीं तो कुछ भी सिंपल नहीं है। आपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, फिर यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को आपको क्लिक करना है, डिजिटल सिग्नेचर ब्राउज हो जाएगी, डिजिटल सिग्नेचर का पिन कोड डालना है, कंफर्म करना है, तो सबमिशन का आपको मैसेज आएगा, 1 से 2 दिन या 7 डे आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपकी फर्स्ट टाइम आईसीएट में आपने आपको रजिस्टर्ड एज यूजर करने की, ठीक है। अब इसके बाद आप एडी कोड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसमें देख सकते हैं। और यदि आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एडी कोड का रजिस्ट्रेशन, अपेडा का रजिस्ट्रेशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन हो गया, या कोई भी पोर्ट इंडिया में किसी भी पोर्ट को आपको आपके आईस गेट में ऐड करना है, उससे रिलेटेड कोई सर्विस आपको चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन जो मेल आईडी है आप मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।